जितने दंगे होते हैं उसमें गिरिराज और की भूमिका है, इसकी जांच कराएं। सासाराम में दो दिन पहले कौन कौन भाजपा के नेता गए थे उसकी पूरी भूमिका हो, उसका टोटल टेलीफोन की जांच हो। जो लोग दंगा में भूमिका है उसको गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल करिए, और जिसने शुरू किया उसकी अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। उस साजिशकर्ता में बीजेपी के 4-5 बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री में गिरिराज सिंह, तो ये बताना होगा कि ये झंडा कहां से, तलवार कहां से आ रही है सबके हाथ में। मैंने कभी अपने बाप दादा को तलवार लाठी भाला नहीं देखा आज तक रामनवमी में। यदि वो हिंदुत्व की बात करता है ना, तो अपनी बेटी अपना बेटा का शादी वो राम पासवान पप्पू यादव अपनी बेटी की शादी क्या राम पासवान चमार और डोम में करेंगे? वाल्मीकि की तस्वीर यदि गिरिराज सिंह हिम्मत और औकात है तो वाल्मीकि का मंदिर आप अयोध्या में बनाओ राम के बगल में। मैं चैलेंज करता हूं रामायण के निर्माण करने वाला वाल्मीकि, उसकी तस्वीर किसी पप्पू यादव पप्पू कुशवाहा पप्पू सिंह के घर में क्यों नहीं? और जहां पर राम हनुमान सीता लक्ष्मण होगा वहीं वाल्मीकि की भी तस्वीर क्यों नहीं आज तक? ये मेरा गिरिराज सिंह जो हिंदुत्व की बात करता है ना, हम उससे जानना चाहेंगे गिरिराज सिंह किस हिंदुत्व की बात करते हो? ये वो पूछिए नफरत के आधार को नहीं चुनने वाला हिंदुत्व, या बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आरएसएस और बीजेपी की पार्टी के लिए काम करने वाला हिंदू? सबसे ज्यादा दंगा महाराष्ट्र जी जहां इसकी सरकार थी वहां इन्होंने शुरू किया, और जितने दंगे होते हैं उसमें गिरिराज और की भूमिका है, इसकी जांच कराएं। सासाराम में दो दिन पहले कौन कौन भाजपा के नेता गए थे उसकी पूरी भूमिका हो, उसका टोटल टेलीफोन की जांच हो। ये लोग प्रायोजित दंगा करवाए हैं। नीतीश कुमार जी प्लीज आप, हमको लगता है कि अब मैं हाथ और पैर पकड़ता हूं, इस दया की भीख मांगना बंद करिए और ऑफेंसिव राजनीति नहीं चलेगी अब। यदि देश डिफेंसिव राजनीति कर रहा है केंद्र, तो बिहार को भी डिफेंसिव राजनीति करनी चाहिए। गिरिराज के 5 करोड़ रुपया पर एफआईआर करके उसको जेल भेजना चाहिए। गिरिराज को खुले घूमने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यह समाज के लिए खतरा बन गया है बीजेपी के कुछ नेता जो जाके गाली गलौज करते हैं। यह दंगा बीजेपी और आरएसएस प्रायोजित है और इसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन करना चाहिए। हर कीमत पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को बैन करना चाहिए भारत के हित में। दंगा शुरू कैसे हुआ और फिर दंगा में किस किस की भूमिका है? जहां दोनों जो लोग दंगा में भूमिका है उसको गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल करिए, और जिसने शुरू किया उसकी अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो, और इसके पीछे सबसे पहले गिरफ्तारी साजिशकर्ता की हो। उस साजिशकर्ता में बीजेपी के 4-5 बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री में गिरिराज सिंह, इनकी पूरी भूमिका की जांच हो। और हिंदुत्व का पाठ ये ना पढ़ा गिरिराज सिंह हमें, हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना हो तो अयोध्या में वाल्मीकि का मंदिर बनाओ, हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना हो तो ये बताना होगा कि ये झंडा कहां से, तलवार कहां से आ रही है सबके हाथ में। मैंने कभी अपने बाप दादा को तलवार लाठी भाला नहीं देखा आज तक रामनवमी में।